अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मीरा नवान और मैं इस वक्त हरात में हूँ रियाज के। ये जो यहाँ का जिसे कहते हैं हम लंडा बाजार, और इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, और हर तरह की हैं, घरेलू भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, वो आपको सबको दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हम एंट्र हो चुके हैं हराज बिन कासम में। ये रियाज में अजीज़ी की तरफ है, मेरे से डिस्क्रिप्शन में इसकी लोकेशन भी दे दूंगा। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी तरह के खिलौने वगैरह, बच्चों के साइकिलें हैं, घरेलू अशिया जो यूज़ में होती हैं, ये आपको तरह तरह की हैं, क्लीन वगैरह, टीवी और एलसीडी वगैरह, ओवन, इस तरह की दीगर चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यानी आपको हर तरह की यूज़ में चीज़ें यहाँ से यहाँ पर मिलती हैं। तो ये मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि हराज का मतलब क्या है, मगर मैंने ये सुना है कि हराज बिन कासम एक आदमी था सऊदी, जिसने इस तरह का एक बाज़ार शुरू किया जिसमें लोग यूज़ में चीज़ें सेल कर सकें, कुछ लोग ले सकें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा तरह तरह की चीज़ें, घरेलू और कमर्शियल भी, ओवन वगैरह, वाशिंग मशीनें, फ्रिजें वगैरह यूज़ में, उसके अलावा बर्तन, कपड़े वगैरह, जूते। ये नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ में ही होंगी, कुछ चीज़ें नई भी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सऊदी वगैरह में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ़र में लगी होती हैं, तो ऑफ़र के बाद वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, नई चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। तो आपको बर्तन भी मिलेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये नहीं कि यहाँ पे अजनबी लोग आते हैं, आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा कि सऊदी भी फैमिली काफ़ी सारी यहाँ पे आई हुई हैं, सऊदी भी, मसरी भी, यमनी भी, इंडियन, पाकिस्तानी, जो यहाँ पे हारजी वो भी आते हैं और जो यहाँ के वतनी हैं वो भी आते हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पे वैरायटी हैं, आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, मगर इसमें ये है कि आपको हर चीज़ ढूँढनी पड़ेगी ये कौन सी चीज़ किधर है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि उसका शॉप का हो कि ये फलानी शॉप इधर है। ये कुछ काफ़ी सारे लोग तो बाहर ओपन चीज़ें लगाए होते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो उनका एक एरिया दिया गया है और वो चीज़ें वहाँ पे यानी सेल करते हैं, उसमें वो हाथ सौ रुपये कपड़े वगैरह हो गए, जूते हो गए, ड्रिल मशीनें, बर्तन वगैरह हो गए इस तरह की, और इसके अलावा इसमें उन्होंने सेंटर में बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ इंतज़ाम किया हुआ है, थोड़ा बहुत कंटीन है, बुफे वगैरह है, यानी बुफे यहाँ पे कहते हैं जहाँ पे होटल सैंडविच वगैरह मिलते हों, चाय वगैरह, कावा वगैरह, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे मिलती हों। तो ये एक जो अगर लोग जो लोग रियाज में रह रहे हैं तो अगर कम खर्चे में कोई चीज़ें लेने चाहते हैं तो एक अच्छी जगह है। तो यहाँ पे आपको दुनिया भर की वैरायटी मिलती है, आप उसको देख के तो आप चेक करके लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको चीज़ चेक नहीं करवाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ है वो चेक ना करवाई जाए, यहाँ पे हर चीज़ चेक करके आप लेके जा सकते हैं। और ये दोस्तों, जैसे हमारे पाकिस्तान में लाहौर का लंडा बाजार बहुत बड़ा है, मगर ये काफ़ी सारा एरिया है कि जो उन्होंने इसी चीज़ के लिए रखा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लोगों का हजूम है और लोग तरह तरह की चीज़ें ले रहे हैं, घरेलू चीज़ें ऑफिशियली। तो कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोगों को कैंप लगा के उन्होंने अंदर जगह दी हुई है और वहाँ पर सारा साया भरा है, धूप नहीं है। तो ये काफ़ी सारा एरिया इसी काम के लिए उन्हें रखा हुआ है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम भी है, लोग इन्हीं ये नहीं कि ये सऊदी है तो यहाँ पे चोरी वगैरह नहीं होती, यहाँ पे चोरी वगैरह भी होती है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं उनके लिए सिक्योरिटी के लोग हैं जो लोगों के ऊपर नज़र रखे होते हैं। तो आपको यहाँ पर घर की डेकोरेशन के लिए चीज़ें भी मिल सकती हैं, मतलब हर ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी।
اور ایک جیسے چھٹی کا دن ہوتا ہے جمعے کا، تو آج ویسے جمعہ ہی ہے تو ہم جمعے کے دن ہی ادھر آئے تھے۔ ہم کوئی یہاں سے چیز تو نہیں لینے آئے تھے، مگر کافی اس کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ ایک اچھی مارکیٹ ہے، اور یہاں پہ آ کے لگا بھی کہ واقعی اس طرح کی مارکیٹ کوئی نہیں ہے، نہ تو ہم نے پاکستان میں دیکھی اور نہ ہی سعودیہ میں۔ سعودی میں ویسے اتنا خاص گھما تو نہیں ہوں، جدہ وغیرہ دیکھا ہے یا ریاض دیکھا ہے یا مکہ دیکھا ہے، مدینہ شریف دیکھا ہوا ہے، تو اس طرح کی مارکیٹ مجھے نہیں نظر آئی۔ ہو سکتا ہے ہو، مگر میں نے نہیں دیکھی۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو میں ساری چیزیں یہ دکھاتے جا رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ دوستوں کی یہاں پہ تھوڑا سا یہ ایشو ہوتا ہے، پاکستان جیسے نہیں ہے کہ ہم جیسے مرضی جہاں کی ویڈیو مرضی بنا لیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نقاب کا یا پردے کا سسٹم ہمارے پاکستان سے مختلف ہے۔ تو یہ مجھے ویڈیو بڑے طریقے سے بننی پڑ رہی ہے، تو کیونکہ فیملی یہاں پہ ہیں، اور یہ سعودی لوگ اس چیز کا بہت برا مناتے ہیں کہ ان کی عورتوں کی اگر ویڈیو کو بنائی جائے۔ تو یہ دوستوں وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ نئی چیزیں بھی آپ کو مل رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، اور یوز بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ گھر کی موٹر اور پریشر کوکر وغیرہ، ڈرل مشینیں، اوون، کوکنگ رینج، واشنگ مشین، فریج وغیرہ، مطلب ساری چیزیں آپ کو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بندہ استعمال کر رہا ہو تو اس کو ادھر سے نہ ملے۔ بچوں کے کھلونے، بچوں کی سائیکلیں، یعنی ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ تو بہت ساری اچھی چیزیں بھی آپ کو یہاں پہ ڈھونڈنے میں مل جاتی ہیں کہ جو اچھی کنڈیشن میں ہوں گی۔ تو یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی چیز ڈھونڈنے کے لیے ٹائم لگ سکتا ہے، کہ آپ جو چاہ رہے ہوں کہ ایک اچھی بھی ہو اور یوز میں بھی ہو۔ تو
آپ کو یہ پاکستان کی نسبت بہت ڈفرینٹ ہے. اسے ہراج یہاں پہ بولتے ہیں جیسے ہمارے لنڈا بولتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہراج کا مطلب لنڈا نہیں ہے مگر اسی طرح کا ہے. تو آپ کو اگر یہ ویڈیو میری پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا. کمنٹس اگر آپ کی رائے دینا چاہ رہے ہوں تو مجھے کمنٹس کیجیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو دوسری بھی یا یہ بھی ویڈیو بھی پسند آئے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میری دوسری ویڈیو بھی دے سکتے ہیں تو میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو جو اس کے بعد ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے. تو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے ضرور لائک کیجیے گا. یہی میری آپ سے گزارش ہے. تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی حاضر ہوں گا. تو اسی کے ساتھ مجھے دیں آپ اجازت. انشاءاللہ کبھی پھر انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اچھے پلیس کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ نگہبان.